मित्रों, बिहार में प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। लोगों में उत्साह है, विशेष रूप में इस बार चुनाव में बिहार में विकास प्रमुख मुद्दा बन गए। नॉर्मली बिहार माने लोगों को याद आते जाति समीकरण, वो कितना है, ये कितना है, मैं कितना हूं, तुम कितना है, मैं प्लस माइनस कॉम्बिनेशंस, ऐसा जब चर्चा होता है ना, मन में दुख होता है। राजनीति सिद्धांत के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, विकास और परफॉर्मेंस के आधार पर चलना चाहिए और सामाजिक न्याय के आधार पर भी चलना चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों ने जिनके पास कुछ कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट नहीं है, परफॉर्मेंस कम है, ऐसा लोगों ने जातिवाद को सामने लाया। अपना सभी विफलता को छिपाने के लिए जातिवाद को आगे बढ़ाया। उस परिप्रेक्ष्य में इस बार बिहार में यूनिवर्सली मैं होकर आया, लोगों से बात किया, देखा, वहाँ भी टेलीविजन चैनल्स आजकल बहुत बिहार में आए, स्थानीय और नेशनल भी, अखबारों में भी चर्चा, मुख्य मुद्दा बन गया विकास। थैंक्स टू NDA सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी का कॉम्बिनेशन, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया 5 साल में और परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे। हमारा आलोचना करने वाले भी विपक्ष, वो लोग भी ज्यादा सा इसी के बारे में चर्चा कर रहे। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी वहां कैंपेन में आए, उन्होंने भी स्वीकार किया विकास हो रहे। उन्होंने जाने अनजाने, नोइंगली और अनोइंगली, उन्होंने भी कहा विकास हो रहे, मगर हमारा पैसा से विकास हो रहे, तो माना अंडरलाइन, उन्होंने एक विषय का तो स्वीकार किया, विकास हो रहे। ये हमारा मेजर प्लान है, बिहार में 5 साल में विकास प्रमुख मुद्दा के रूप में, प्रेजेंट प्रमुख एजेंडा के रूप में हमारा सरकार ने हाथ में लिया और पूरा प्रयास कर रहे। हमारा कहना ये नहीं है 5 साल में सब कुछ हो चुका है, नहीं, जो 40 साल कांग्रेस का राज में नहीं हो पाया, जो 15 साल जंगल राज में नहीं हो पाया लालू जी के जमाने में, 5 साल में पूरा काम करना संभव नहीं है। ये आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। अरे शुरुआत हो गया, काम आगे बढ़ रहे, सड़क निर्माण हो रहे, पानी का व्यवस्था हो रहे, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म मिल रहे, बेटियों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, छोटी मोटी भी हो, बड़ा भी हो, चर्चा इसी के ऊपर चल रहे। अस्पताल अच्छा काम कर रहे, डॉक्टर्स आ रहे, टीचर्स आ रहे स्कूल्स में, और सबसे महत्वपूर्ण विषय नंबर 1 ये तो विकास, नंबर 2 यूनिवर्सली सबने एक्सेप्ट किया, वो ये है कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया, ये एक प्लस पॉइंट है। हम लोग वही विषय के बारे में चर्चा करें तो नॉर्मली क्या करते, कंपेयर करते, 40 साल का कांग्रेस राज, 15 साल का लालू जी का राज, लालू जी और रबरी जी का भी कट्टरसी कांग्रेस पार्टी, और 5 साल जदयू और भारतीय जनता पार्टी का राज। इसमें डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्कीम्स, इन ऑल
वी आर हेड एंड शोल्डर अबव दोज टू कॉम्बिनेशंस, इसलिए लोग हमारा पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो। फर्स्ट फेज में भी देखने के लिए मिला, इररेस्पेक्ट ऑफ कैस्ट, इररेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन, इररेस्पेक्ट ऑफ रीजियन, वही भी चर्चा होता है कुछ लोग कोसी रीजियन, सीमांचल, मिद्रांचल, अलग अलग बातें रखते हैं लोग, आप वहां स्ट्रांग है, यहां कम है, यहां कमजोर है वगैरह। बाय एंड लार्ज ब्रॉडली पूरा प्रदेश में विकास मुख्य मुद्दा, बाय एंड लार्ज पूरा प्रदेश में लोग संतुष्ट है कानून व्यवस्था से, बाय एंड लार्ज लोग संतुष्ट है। अरे उन दोनों सरकार के तुलना में इस सरकार बेहतर काम कर रहे, इसलिए मित्रों हमको पूर्ण विश्वास है नीतीश जी का नेतृत्व में चलने वाले गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और कंफर्टेबल बहुमत मिलेगा। मैं कोई सर्वे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, सर्वे किया हमने भी और आप में से भी कुछ लोगों ने किया, उसका चर्चा में नहीं जा रहा हूँ भाई। कुछ लोगों ने कहा ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड कुछ चैनल्स के बारे में कहा, हम कभी ऑर्गेनाइज करते नहीं हैं, हम खुद ऑर्गेनाइज्ड है, मगर चैनल को ऑर्गेनाइज करना वगैरह हमारा कभी भी पद्धति नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे उसको, मगर हमारा असेसमेंट जो फील्ड से आ रहे उसके उनके हिसाब से क्लियर कट बहुमत हमको मिलने वाले है और लोग पॉजिटिव वोट देने वाले हैं। वॉट आई वॉन्ट टू टेल टूडे इज पीपल आर विलिंग टू गिव ए पॉजिटिव वोट फॉर रिटर्निंग ऑफ दिस गवर्नमेंट, दे आर कंसर्न मोर अबाउट डेवलपमेंट, they are happy about the improvement in the law and order situation, they are also happy about the welfare measures taken by JDU BJP coalition government there, and they want this development to continue. isme rukawat nahi aana chahiye, vikas aur tezi se aage badhe, ye logon ka ichha hai. this is what I have noticed myself, this is what is being talked about there. As I told you, even the Congress president and the Prime Minister has to concede development is taking place, but development is taking place with our money. Mera kehna itna hai, Madam aur Sir Manmohan Singh ji, ye paisa aapka nahi hai, hamara nahi hai, Nitish ji ka nahi hai, Sushil ji ka nahi hai, kisi ka nahi hai, ye paisa janta ka hai. Galli se ikatta karke paisa Delhi bheja, ab Delhi se paisa Galli wapas bhejna aapka kartavya hai. हमने भी किया जब सरकार में था, केंद्र में हमने भी किया, आपको भी करना पड़ेगा. दिस इज नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट द चैरिटी ऑफ एनी पार्टी और एनी गवर्नमेंट और एनी लीडर. इट इज द पीपल्स मनी एंड इट हैज टू बी स्पेंट फॉर द पीपल एंड वी आर स्पेंडिंग इट एंड यू आर सेइंग दैट वी आर टेकिंग क्रेडिट. लेट अस डिस्कस दिस. वी आर द गवर्नमेंट देयर, वी आर द गवर्नमेंट एंड वी आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली एंड ट्राइंग टू डू वॉट एवर वी कैन. ये मेरा पहला पॉइंट है मित्रों. मैं सीट्स वगैरह में जाना नहीं चाहता हूँ, सिक्स फेज इलेक्शन है. कल थोड़ी देर मौसम खराब हो गया, उसके कारण से नुकसान भी हुआ, कुछ हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, कुछ दूर जाने के बाद हमको वापस आना पड़ा. कुछ इलाके में हमने फ़ोन के द्वारा आम सभा को संबोधित करना पड़ा. ये तो प्रॉब्लम होते रहता है, कारण क्या है, सिक्स फेजेस इलेक्शन, बट बाय एंड लार्ज द इलेक्शन इज पीसफुल, इलेक्शन इज पीसफुल. वन सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स, द बीजेपी रीस्टेट्स इट्स डिमांड फॉर सेटिंग अप ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू प्रोब इनटू द स्कैम्स, स्कैंडल्स, मिसयूज ऑफ पावर एंड फेलियर्स ऑफ द कंसर्न्ड agencies, ministries, ministers and all people concerned with regard to commonwealth game. You cannot simply brush it aside. My friend Sri Jaipal Reddy was just, I just saw him on television, he was saying nobody will be spared, no bureaucrat or no official. Jaipal Reddy ji, what about politician? Can the officer spend that much amount of money and go in for such big escalation without the involvement and consent of the politicians?
then if politicians have nothing to do with any of this conduction of the games, then how do Delhi Chief Minister try to take credit? अच्छा हो गया मुख्यमंत्री, ठीक नहीं हुआ अधिकारी, ये कोई पद्धति है क्या? इसलिए आई एम नॉट ट्राइंग टू कैस्ट एस्पिरेशंस ऑन एनीबॉडी और आई एम नॉट ट्राइंग टू सिंगल इट आउट ऑन एनीबॉडी. माय पॉइंट इज ऑल द मिनिस्ट्रीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर टू, सिंपल डिनायल इज नॉट गोइंग टू सफाइस. नंबर थ्री, लेट देयर बी अ कॉम्प्रहेंसिव एंक्वायरी. We have no problem about the CVC inquiring into. We have no problem about Mr. Sunglu conducting a probe also. We are not questioning their integrity. But at the same time, as there are wider aspects and deeper aspects involved in this, my president have rightly demanded setting up of a joint parliamentary committee. We said it even before the commencement of the games. We gave some gap because the country's prestige and honor was involved. Now that the games are over, it is time that we go into the matter, find out the culprits and punish them in an exemplary manner so that such things do not reoccur again. This is the second point I am trying to make. That's why my party today, even Delhi BJP, has held a massive demonstration demanding an inquiry into the Commonwealth Games, and we are not going to leave it. We will continue to agitate outside and inside the legislature, parliament, about the need for a larger probe into this. All these things are coming out in the media, what has happened and all. I am not going to the details. Some of the details have been provided by our party president. The third, कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार का आरोप आया और बहुत केसेस में सबूत भी आए मीडिया के द्वारा, चैनल्स के द्वारा और अलग अलग एजेंसीज इसमें जांच कर रहे, सीवीसी विजिलेंस कमीशन जांच करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है और पूर्व सीईसी के जांच के बारे में हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये पूरा विषय के ऊपर डिटेल्ड इंक्वायरी करने के लिए संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी का जांच होना चाहिए. कारण क्या है, केवल ब्यूरोक्रेट्स नहीं तो ऑफिसर्स लोग ने ये सब किया, ये सही नहीं है. पॉलिटिकल बॉसेस, मिनिस्टर्स विदाउट देयर नॉलेज एंड विदाउट देयर कोऑपरेशन ये संभव भी नहीं है. इसलिए सबके बारे में जांच होना चाहिए. हम आज भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन किया है और आगे भी हम लोग ये मांग करते रहेंगे जांच के लिए पार्लियामेंट के अंदर भी. जब पार्लियामेंट शुरू होगा, ओबामा जी का विजिट के बाद तुरंत पार्लियामेंट में टॉप ऑफ दी एजेंडा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जांच का मांग, और साथ ही साथ बाहर भी हम इसके बारे में आंदोलन करते रहेंगे. सिंपली ऐसा कहना है, इसमें कुछ नहीं है, केवल अधिकारी कहना गलत है. ये बहुत गंभीर मामला है. 60 हज़ार करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है और भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, ये सबका कहना है. इसलिए हम चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का नियुक्ति करना चाहिए.